तो आज एक बार फिर से मैंने 2000 रुपए का लंच किया मास्टर शेफ इंडिया के सबसे पॉपुलर जज शेफ कुणाल कपूर के रेस्टोरेंट पिन कोड में। गाइस इस बार हम इनके साकेत वाले रेस्टोरेंट नहीं बल्कि इसकी सिविल लाइंस वाली ब्रांच में आए थे, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे कुणाल कपूर के रेस्टोरेंट में खाने का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा था, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद आज मैं यहां से खुश मन के साथ लौटूंगा। रेस्टोरेंट में घुसते ही चारों तरफ आपको झलकियां मिल जाएंगी मास्टर शेफ कुणाल कपूर की, और उनका खाने को लेकर प्यार आपको उनकी टीवी पे चल रही रेसिपीज और दीवारों के डिजाइन से ही दिख जाएगा। देखो, कुणाल कपूर जी ने अपने रेस्टोरेंट का नाम पिन कोड भी बड़ा सोच समझ कर रखा है। माने ये नाम दर्शाता है कि कैसे पूरे भारत के अलग अलग पिन कोड में एक से एक और अलग अलग जायके मिलते हैं। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। भाई दिमाग तो बहुत खूब लगाया है शेफ कुणाल ने, लेकिन रेस्टोरेंट के नाम के जैसे आज यहाँ का टेस्ट भी कमाल हो जाए तो मजा आ जाए। तो हमने फटाफट इनके मेन्यू पे नजर मारी और ऑर्डर किया अपने लिए 600 रुपए का घी रोस्ट चिकन स्टार्टर में, ये 600 रुपए की मटर मशरूम की सब्जी मेन कोर्स में, 170 रुपए की दो रोटियां, 250 रुपए की अमरूद की ड्रिंक और 350 रुपए की ये ओल्ड दिल्ली ब्रेड पुडिंग, माने शाही टुकड़ा। अब एक अंदर की बात बताता हूँ, मुझे यहाँ आए हुए 10 मिनट हुए थे और उतने में मैंने यहाँ से दो अलग अलग कस्टमर्स को आकर इनका मेन्यू पढ़कर वापस लौटते हुए देख लिया। सत्तर रुपए की एक रोटी है यहाँ। अब हर कोई इतना महंगा खाना यूं ही खाना तो प्रेफर नहीं करता ना, पर हमारा क्या है, हम तो खाने से ज्यादा कंटेंट के भूखे हैं। तो बिठा लिया अपना 2200 रुपए का फटका, इसी बात पर वीडियो लाइक कर देना यार। अब खाना टेबल पर आया तो देखो शक्ल से ये वाकई एक मास्टर शेफ लेवल के बंदे का खाना लग रहा था। प्रेजेंटेशन में तो मैं इससे काफी अच्छे नंबर दे दूंगा, पर टेस्ट में कितने पानी में है चलो जानते हैं। मीनवाइल आप सब बताओगे आप सब में से शेफ कुणाल का सबसे बड़ा फैन भाई कौन है। तो सबसे पहले अपन ने टेस्ट किया ये स्टार्टर वाला घी रोस्ट चिकन, एंड अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट निकला। चीज़ बड़ी एवरेज है टेस्ट। 600 रुपए की डिश का इतना एवरेज टेस्ट, मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी। फिर खाई मटर मशरूम की सब्जी विद 70 रुपए की रोटी और ये ओके थी। ओके क्या है? जब मम्मी मूड में हो और मुझसे कुछ गलती ना हुई हो तो इससे बढ़िया टेस्ट तो उनके खाने का आ जाता है यार। मास्टर शेफ के लेवल का है? नहीं, मास्टर शेफ के लेवल से ये उम्मीद थोड़ी होती है, वो तो बहुत हाई उम्मीद होती है यार कि खाना खाओ और ऑर्गेज्म आ जाए। भाई मतलब खाना खाओ और तुम बोलो ऐसा कुछ खाया ही नहीं। फिर पिया एक गुआवा वाली ड्रिंक जो एक और निराशा वाली चीज निकली। मतलब बहुत अच्छी चीज बनाने की कोशिश करी है बट फेल्ड अटेम्प्ट। आखिर में खाया है डेजर्ट वाला शाही टुकड़ा, जिस पर मेरी क्या राय है आप खुद ही सुन लो। क्या इससे अच्छा शाही टुकड़ा जामा मस्जिद में मिलता है? 300 रुपए में शाही टुकड़ा का शाही टुकड़ा ही छोड़ देते यार, ऊपर व्हिप्ड क्रीम डालकर उसको चमत्कार कर दिया तुमने कसम से। भाई मेरी निराशाओं का अंत होने को था, इतने में मुझे स्क्रीन पे ब्रेड पकौड़ा चाट की रेसिपी दिख गई और बड़े भारी दिल के साथ आज एक बार फिर मुझे कुणाल कपूर जी के इस रेस्टोरेंट को बिलो एवरेज बोलना पड़ रहा है। आज भी मेरी रेटिंग स्टिक रहेगी, आज भी मैं देना चाहूंगा इस रेस्टोरेंट को 2 out of 5। ये 2000 रुपए के बिल के हिसाब का टेस्ट तो कहीं से नहीं था। बाकी आपको मेरे रिव्यू पर शक है तो आप खुद आकर यहाँ का जायका ले सकते हो, और आपने कभी शेफ कुणाल के रेस्टोरेंट का खाना खाया है तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा था। बाकी मिलेंगे आपसे दोबारा, तब तक थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय।